हम पढ़ रहे हैं एनबीएफसी, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर वित्तीय संस्थान, गैर वित्तीय संस्थान। सबसे पहले तो ये देखिए कि वित्तीय संस्थान क्या है, वित्तीय संस्थान क्या है, पढ़ लिया हमने हिमलता जी, गुड मॉर्निंग, कल नहीं आए थे, क्या हो गया, तबीयत खराब है, क्या है, पेपर था? नहीं, हमारी मर्जी, दोनों में से कुछ नहीं तो फिर क्या है, हमारी मर्जी। वित्तीय संस्थान क्या है, धन का लेन देन होता है, कहां से लेन और कहां पे देन, बैंक लोगों से लेते हैं, लोगों के देते हैं, लोगों से लेते हैं, लोगों से ही, और आरबीआई से लेते हैं, बैंकों से। योगेश कुमार, मुझे ऐसा लगा कि किसी को एक पूरी क्लास हुई है इसके ऊपर, समझ में आया होगा, व्यापार के, व्यापार के योगेश, धन का लेन देन, ये तो ठीक है। उन क्षेत्रों से हमने क्या मतलब बड़े अच्छे से पढ़ा था कि वित्तीय संस्थाएं क्या करती है, वित्त का आदान प्रदान करती है, उस क्षेत्रों से उगाही करती है जहाँ पर आवश्यकता से अधिक है, और वह पूर्ति करती है जहाँ पर इसकी जरूरत होती है। जैसे घरेलू क्षेत्र सबसे बड़ा बचत का क्षेत्र होता है, बताया जाए तो यहाँ से लोगों के छोटी छोटी बचतों के माध्यम से पैसों को एकत्रित किया जाता है और वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए दिया जाता है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में, निर्माण कार्यों में, वहां दिया जाता है। तो ये सारी संस्थाएं इससे जुड़े हुए जो भी संस्थान है वो क्या कहलाते हैं, वित्तीय संस्थान। क्लियर हो गया भाई, लोगों से ही लेते हैं, लोगों को ही देते हैं, लेकिन कहां, जहां आवश्यकता से अधिक हो, जहां बचते हो वहां से एकत्रित किया जाता है, और जिन लोगों को जरूरत हो उन क्षेत्रों में इसे पहुंचाया जाता है, वित्तीय संस्थान है। अब हमने ये भी पढ़ा कि ये जो धन होता है ये कुछ समय के लिए भी दिया जा सकता है, लंबी अवधि के लिए भी दिया जा सकता है। इस आधार पर वित्तीय संस्थानों को हमने, ये वित्तीय बाजार को हमने दो भागों में बांटा, कौन सा, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, पढ़ा मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। कविता, नींद खुल गई हो तो बताओ पूंजी बाजार क्या है, दिनेश नहीं पता, यहाँ आके बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, कुर्सी उठा के यहाँ आ जाओ, आप बताओ। वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, तमाशा मारने की इच्छा तो नहीं हो रही किसी का। सर ये पूंजी बाजार जो होता है दीर्घकालीन ऋण देता है। आप लोगों को लगता होगा ना कभी कभी कि ऐसे गधे बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, इनको भगा देना चाहिए करके, है ना, विजया ने सही बोला, पर इन दोनों तीनों ने कुछ नहीं बोला, इन्होंने तो, ये अर्थशास्त्री है और उनको नहीं पता, ऐसे लाखों की संख्या में अर्थशास्त्री भरे पड़े हैं हमारे, अरबों खरबों, जिनको पता नहीं है। तो पूंजी बाजार, देखो धन का लेन देन समयावधि के आधार पर किया जाता है, इस आधार पर वित्तीय बाजार को तो भागों में बांटा गया, पूंजी बाजार जहां पर धन का लेन देन जो है दीर्घकाल के लिए किया जाता है, लंबी अवधि के लिए किया जाता है, लंबी अवधि एक वर्ष या उससे अधिक लंबी अवधि, और जहां धन का लेन देन अल्पकाल के लिए किया जाता है तो एक वर्ष या उसके आसपास के समयावधि के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार कहते हैं। बड़ा सरल से एकदम पढ़ाया, यही तो है कॉन्सेप्ट, हमारे क्लियर होना चाहिए, कब कहां क्या लिखना पड़े कोई गारंटी नहीं, जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो
तो बड़े क्वेश्चन के उत्तर हम लिख नहीं सकते, कितने फैक्ट डालेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए ना उसके विषय में, रटने से काम नहीं चलता। भारत में मुद्रा बाजार की स्थिति लिखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। आपको मुद्रा बाजार ही नहीं पता तो फिर कहाँ से लिखोगे? अरे किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा मुद्रा बाजार की स्थिति। अब आपको मुद्रा बाजार क्या है, उससे संबंधित जुड़े हुए संस्थान कौन से हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है, कौन इसका नियंत्रक है और क्या उपाय करता है, ये दो तीन क्वेश्चन अपने दिमाग में बना लिए और उसका उत्तर लिखना शुरू कर दिए। आपका 300 शब्दों में उत्तर लिखना हो जाएगा। लेकिन यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मुद्रा बाजार क्या है, तो फिर हम उसमें सेबी भी डाल देंगे, LIC की भी डाल देंगे, IDBI डाल देंगे, सब डाल देंगे और गलत हो जाएगा। दोनों बातें क्लियर हो गई, वित्तीय संस्थान हो गया, वित्तीय बाजार हो गया, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करता है? मुद्रा बाजार को नियंत्रित कौन करता है आप बताएंगे? आप बताएंगे नहीं या पता नहीं? वैसे साफ सुथरा बोलना चाहिए कि हमें पता नहीं। हाँ मैंने बोला आप बताएंगे, आपने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, पता नहीं। हाँ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मौद्रिक नीति पढ़ा ना आपने, मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए RBI जिस नीति का पालन करता है या जिस नीति का संचालन करता है मौद्रिक नीति कहलाती है। कौन कौन से उपकरण ये भी पढ़ा आपने, CRR, SLR, PLR, क्या MSL ऐसा कुछ है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मतलब स्थायी सुविधा दर, ये सारी चीजें मतलब कुछ जो होता है इसका सीधा सा उत्तर, बड़ा क्वेश्चन तय किया है। तो एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, जैसे CRR इसकी दर कितनी रखना है, अधिकतम कितनी, कम कितनी, वर्तमान में कितनी। फिर SLR इसमें क्या है, इसमें भी यही है, बैंकों को एक निश्चित जमा का अनुपात अपने पास में, स्वयं के पास में रखना है। फिर क्वालिटेटिव में हमने क्या पढ़ा था, चयनात्मक साख नियंत्रण, नैतिक दबाव, PLR प्राइम लेंडिंग रेट, जो अपने विश्वस्त ग्राहकों को जिस दर पर ऋण दिया जाता है, ये सारे पढ़ा था। फिर पूंजी बाजार जिस पर धन का लेन देन दीर्घकाल के लिए लंबी अवधि के लिए किया जाता है, 2 वर्ष हो सकता है, 10 वर्ष हो सकता है, 20 वर्ष हो सकता है, तो ये पूंजी बाजार होता है। और इसके लिए RBI ने क्या किया, काम बांट दिया, किसको दे दिया, सेबी को दे दिया। अब सेबी हम कल पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे उसके विषय में। लेकिन पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है, शेयर मार्केट वगैरह सब कुछ सेबी के अंतर्गत आता है। एक LIC भी होता है, LIC को कौन नियंत्रित करता है, IRDA, जितनी भी LIC का मतलब जीवन बीमा, या GIC सामान्य बीमा, LIC जीवन बीमा मतलब जीवित वस्तुओं का बीमा करते, जीवित जीवों का बीमा करते, व्यक्तियों का बीमा करते हैं। और GIC इसी की एक संस्था है, जो क्या करती है, सुना ही नहीं है, एक बार और बोलो। पहली बार सुना है ऐसा बोलो ना, GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो वस्तुओं का बीमा करती है, जिसमें जान नहीं, जैसे ओरिएंटल कंपनी, ओरिएंटल जो मोटर गाड़ियों का बीमा करती है, ये GIC का काम है, मोटर गाड़ी वस्तु इसका बीमा करना GIC का। और LIC व्यक्तियों का बीमा करती है, गारंटी देते हैं कि आप मर जाओगे तो आपके परिवार को इतना फायदा मिलेगा, ये वो। इवन जी आप तो नहीं करते इसका तो ज्यादा से, हां फालतू चक्कर में नहीं पड़ता। अरे ये कोई फालतू चीज नहीं है यार, मिलता ही नहीं तो सर क्या करेंगे। जीवन बीमा आग्रह की विषय वस्तु,
काहे कि आग्रह की निवेदन की विषय वस्तु है, बताने की विषय वस्तु है। भारत सरकार का उपक्रम उसे फालतू नहीं बोल सकते, भारत सरकार का उपक्रम है। चलो आज हमें पढ़ना है गैर वित्तीय संस्थान। अब वित्तीय संस्थान, वित्तीय संस्थान ऐसे होते हैं जो धन का लेन देन करते हैं, और गैर वित्तीय संस्थान जो धन का लेन देन तो करती है लेकिन सिर्फ देन करती है, लेन नहीं करती। मतलब लोगों को धन उधार देते हैं, जमाओं को स्वीकार नहीं करते, जमाओं को स्वीकार नहीं करते। डिटेल में पढ़ेंगे हम। NBFC ये कंपनी, ये NBFC की बात कर रहे हैं, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत किया जाता है। जैसे अनुसूचित गैर अनुसूचित बैंक पढ़ा अपन, तो उसमें RBI अधिनियम 1934 के तहत और उन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत वो कार्य करते हैं। लेकिन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जो होते हैं वो काय के तहत, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। मुख्य कार्य, जिनका मुख्य कार्य क्या होता है, हमारे देन करना, लेन है, ऋण उपलब्ध कराना, जिनका मुख्य कार्य ऋण उपलब्ध कराना होता है। ये विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां बीमा कारोबार शेयर बॉन्ड चिटफंड आदि में निवेश करती है, आदि में निवेश करती है। अब एक थोड़ी सी लाइन क्रिटिकल है, क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने बोला था उसका विरोध कर रही है, लेकिन अब कैसे, अब देखिए। विभिन्न प्रकार से जमा करने वाली कंपनियां होती हैं, लेकिन ये बैंक नहीं है, क्योंकि ये मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते। डिमांड ड्राफ्ट चेक जारी नहीं कर सकते, डिमांड ड्राफ्ट चेक जारी नहीं कर सकते। क्या क्या बताएं? मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते, और दूसरा बैंक ड्राफ्ट व चेक जारी नहीं कर सकते। अब यही क्वेश्चन बन जाए, बैंक और NBFC में क्या अंतर है? तो ये मांग जमा क्या होता है? मांग जमा क्या होता है? अपन लोग बैंक में जो पैसा डाल जमा करते हैं, तीन प्रकार का रहता है, बचत, सावधि, इस टाइप के। मांग जमा स्वीकार नहीं करते।
आप बोले नहीं दिले? आप तो कुछ बोलते नहीं, कोई नहीं बोलेगा ऑनलाइन में से, कोई बोलेगा क्या मांग जमा क्या है? अग्रवाल मुस्कान जी, काजल मैडम कुछ बोलना चाहे तो मांग जमा, मांग जमा मतलब ऐसी जमा जिसे कभी भी कोई मांग सकता है, वो जमा की बात कर रहे हैं। जैसे सावधि जमा 3 साल की जमा की, अब फिर चाहिए ना, इसमें ऐसा कोई जमा को स्वीकार नहीं करती कि इस 1.5 महीने में 2 महीने में कभी भी निकाल लेंगे, ये ऐसी कोई राशि स्वीकार नहीं कर सकती। एक बचत बैंक की तरह इसमें जमा किया जाता है, ठीक है, और वो जो संस्थान है वो निर्धारित करेगा कि कब देना है कब नहीं देना है। हम अपनी स्वेच्छा से कभी भी उसे निकाल नहीं सकते, ये वाली क्लियर हो गई ना भाई? मांग जमा मतलब ऐसा है, हमने जमा कर दिया, जब हमारी इच्छा होगी तब हम निकाल देंगे। लेकिन इसमें लॉकिंग पीरियड और ये वो सब कुछ होता है, जैसे LIC इसमें आप पैसे जमा कर दो 10,000 और आपकी जरूरत पड़ गई 4 दिन बाद जाओ मांगने के लिए मना कर देंगे, है ना, बोलेंगे 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, ये है वो है, वो ढेर सारी बातें बता देते हैं। क्लियर हो गया ना मांग जमा क्या है? डिमांड ड्राफ्ट और चेक जारी नहीं कर सकते, बन जाएगा। बैंक में और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान में क्या अंतर है? पहला अंतर क्या लिखोगे? जमा स्वीकार नहीं कर सकता। उससे पहले भी तो कुछ बताया था ना मैंने, उससे पहले भी कुछ बताया था कि ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होते हैं और बैंकिंग संस्थान जो है वो RBI एक्ट 1934 का कंपनी नहीं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत प्रशासित होते हैं और ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, ठीक। फिर दूसरा, ये जमाओं को स्वीकार कर सकते हैं लेकिन मांग जमा को स्वीकार नहीं कर सकते, और बैंक जो होते हैं मांग जमा को स्वीकार कर सकते हैं। हम उसमें बोल देते हैं कि 6 महीने के लिए FD बना रहे हैं, 1 साल के लिए FD बना रहे हैं, 3 महीने के लिए FD बना रहे हैं, चालू खाते में, बचत खाते में, सब तरीके की सुविधा है, इसमें ऐसा नहीं कुछ नहीं। आगे लिखेंगे, 3 प्रकार के हैं ये, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। दूसरे इसमें हम पढ़ेंगे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, और लास्ट में लिखेंगे हम प्राथमिक डीलर, प्राथमिक डीलर। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। इसमें से एक एक को हम पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक अर्थात भारतीय आयात निर्यात बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, आयात निर्यात बैंक। स्थापना 2 जुलाई 1982, 2 जुलाई 1982। मुख्यालय कहां पर इसका, कोई बता सकता है? मुंबई, बिल्कुल सही, मुख्यालय मुंबई। उस बुक में देख लें, उसमें कहीं लिखा है लाल नीला, इसमें
आयात निर्यात बैंक स्थापना 2 जुलाई 1982 और मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई। एक और संस्थान पढ़ते हैं नाबार्ड, NABARD, इसके विषय में हमने पढ़ लिया। नाबार्ड, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की समिति के अनुशंसा पर स्थापना हुई थी शिवरमन समिति, शिवरमन समिति की अनुशंसा पर। कब काम करना शुरू किया इसने? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। मुख्यालय कहाँ पर इसका? मुंबई। और उप कार्यालय है इसका, उप कार्यालय पोर्ट ब्लेयर, उप कार्यालय पोर्ट ब्लेयर। क्या काम है इसका? क्या काम नाबार्ड का काम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साख की व्यवस्था करना, ऋणों की व्यवस्था करना। 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके और 336 जिला कार्यालय, जिला कार्यालय, जिला कार्यालय। किसने स्थापना की है इसकी? किसकी हिस्सेदारी है स्थापना के समय? किसने मिलकर? और सरकार और आरबीआई, इसमें हिस्सेदारी देखें, हिस्सेदारी। तो ये स्थापना के समय और ये वर्तमान में, स्थापना के समय और वर्तमान दो लोगों की हिस्सेदारी है, एक तो सरकार की और दूसरा आरबीआई की, सरकार और आरबीआई। तो जब स्थापना हुई थी तब सरकार की हिस्सेदारी थी 51% और आरबीआई की थी 49%। सरकार की हिस्सेदारी कितनी? 51% और आरबीआई की कितनी? 49%। लेकिन वर्तमान में आरबीआई से लगभग लगभग पूरी हिस्सेदारी किसने ले ली? सरकार ने ले ली। तो सरकार की हिस्सेदारी है अभी इसमें 99%, 99% और आरबीआई की हिस्सेदारी है मात्र 1%, 1%। क्लियर हो गया एकदम? शिवरमन समिति 12 जुलाई 1982, कृषि एवं ग्रामीण साख की अपेक्स संस्था है, शीर्ष संस्था है। जब स्थापना हुई थी तब इसमें सरकार की हिस्सेदारी 51%, आरबीआई की 49%, लेकिन वर्तमान में सरकार के 99% और आरबीआई की 1% है। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पहले ये सब काम कौन करता था? आरबीआई करता था। लेकिन उद्देश्य क्या है इसका? आरबीआई के कार्यभार को कम करना, पहला उद्देश्य लिखेंगे। आरबीआई के कार्यभार को कम करना तथा
कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में साख की व्यवस्था करना, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में साख की व्यवस्था करना। क्लियर हो गया उद्देश्य? दूसरा लिखेंगे, आरबीआई द्वारा स्थापित नाबार्ड। अब नाबार्ड क्या है, इतना सा क्वेश्चन आए तो ये भी लिख सकते हैं इसमें। आरबीआई द्वारा स्थापित नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास एवं जीवन स्तर को सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, अब इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य कौन कौन से करता है? कार्य क्या करेगा? ऋणों की व्यवस्था करेगा है? सबसे पहला है पुनर्वित्त की व्यवस्था करना। पहला कार्य पुनर्वित्त की व्यवस्था करना। ये क्या होता है पुनर्वित्त की व्यवस्था करना? हिमलता, पुनर्वित्त की व्यवस्था करना सही में नहीं पता? पता है तो बताओ ना, तो पता है तो बताओ, नहीं है तो नहीं है, आपको तो नहीं पता है। दो बार ऋण की व्यवस्था करना है आपके हिसाब से? नहीं पता। आप एक अमीर आदमी है, मैं गरीब आदमी। मैंने आपको बोला कि मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, आप अमीर आदमी, लेकिन आपके पास 1,00,000 रुपए नहीं। हो सकता है कि दिखने के ही अमीर हो, कई लोग होता है ना ऐसा कि बड़ा सा घर दिखता है, सामने गाड़ी दिखती है, लेकिन 50,00,000 का कर्ज होता है ना, दिखते तो अमीर है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, और मैंने आपको 1,00,000 रुपए मान लिया, लेकिन अब आप अमीर आदमी है, मना तो कर नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, जो बगल में बैठे हैं उनसे ले लेंगे और फिर ऋणों की व्यवस्था करोगे। ये इसे कहते हैं पुनर्वित्त की व्यवस्था करना, मतलब दूसरे संस्थान से ऋण लेना और फिर अपने अधीनस्थ संस्थाओं को ऋण देना, ऋण लेकर ऋणों की व्यवस्था करना, पुनर्वित्त। क्लियर है? ढेर सारी संस्थाएं जैसे आरबीआई, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, इधर से ऋण लेकर देश के लिए व्यवस्था कर सकता है। सरकारें भी तो यही करती है कि हमारे लिए इतनी सारी योजनाएं बनाती है, तो क्या पैसे रखे रहते हैं क्या? नहीं, इधर उधर से ऋण लेते जाते हैं, जैसे ऋण स्वीकृत हुआ लो भाई बहन, ऐसा होते रहता है। तो लिखेंगे इसे ग्रामीण क्षेत्रों में, वो उसी को पहला जो पॉइंट लिखा ना अपने, उसी में लिख रहे हैं, उसी को डिटेल में लिख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाएं, और यहां पे भी क्वेश्चन है, इसका जवाब तो दिनेश भी दे सकते हैं। दिनेश बुरा मत मानना, आपको आगे बैठा रहा है। तो बताओ ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण कहां से मिलता है? आसपास के लोगों से। लोग बात देते नहीं है यार आजकल, तो लोग बात सिर्फ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान की तरह काम करते हैं, तो ऋण लेते हैं देते नहीं है। किससे ऋण मिलता है, किससे मिलता है? कृषि के लिए, सोसाइटी है गांव में, सोसाइटी है, सहकारी समिति, सहकारी समितियां, सहकारी बैंक, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक है ना बैतूल में,
ऐसे संस्थानों से मिलता है या केसीसी व्यापारी बैंक से मिलता है। तो ये जो ऋण देने वाली संस्थाएं हैं उनके लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना। तो क्या लिखा आपने, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्था जैसे सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक पढ़ा ना अपने, RRB 1975, 2 अक्टूबर 1975 पांच बैंकों की स्थापना, RRB, लीड बैंक योजना। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, बहुत बार लिखा मैंने इसको, लीड बैंक प्री में लिखा, प्री में आंसर टिक किया, मेंस में लिखा, सेट में आया, नेट में आया, PSC के एग्जाम में आया, बहुत बार ये क्वेश्चन बड़ा सहयोगी क्वेश्चन रहा है, ये लीड बैंक योजना मेरे लिए। हाँ क्या है लीड बैंक योजना? सर जिले में एक बैंक रहता है, मतलब उसको सब लीड बैंक फिर से बोले, मतलब जिले में जो किसी एक बैंक को पूरे व्यवस्था संभालने के लिए एक बैंक को मुख्य बना दिया जाता है, मुख्य बना दिया जाता 2007 और कुछ संशोधन करें 1969 लीड बैंक योजना। इसमें क्या किया था, जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकार चलाती है ना योजनाएं, इनके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जिले में किसी एक बैंक को दी गई। मैं उनको बोला कि भाई लोगों को हम ऋण देना चाह रहे हैं मोटर पंप खरीदने के लिए, ये वो, तो भाई अब बैतूल में बैंक है तो हर गांव का व्यक्ति बैतूल तो ही आएगा। अब ग्रामीण क्षेत्र में अपनी संस्थाएं खोले, ग्रामीण क्षेत्र में संस्थाएं खोले और आपकी बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान करें, पूरी जिम्मेदारी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग संस्थाओं के विकास की जो जिम्मेदारी एक बैंक को दी गई थी हर जिले के लिए, तो इसे क्या बोला गया, लीड बैंक योजना, याद रहेगा आपको। अब लीड बैंक कोई भी हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, तो वो ऋण देने वाली संस्थाएं होगी। अब इनको क्या करना है, पुनर्वित्त की व्यवस्था करना है, ये पहली लाइन क्लियर होगी। अब पुनर्वित्त कहाँ से करेंगे इसके लिए, भाई नाबार्ड के पास में तो है नहीं, अब वो देगा कहाँ से, तो कहाँ से व्यवस्था करेगा, तो RBI, विश्व बैंक, IMF, ADB, क्लियर हो गया कि देता, मतलब किसके लिए ऋणों की व्यवस्था करता है, सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लीड बैंक एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्र के संस्थान जो ऋणों की व्यवस्था करते हैं उनको पुनर्वित्त करता है। लेकिन लेता कहाँ से है ये, तो RBI से ले सकता है, वर्ल्ड बैंक से ले सकता है, IMF से ले सकता है, ADB से ले सकता है। क्लियर हो गया ये पहला, पुनर्वित्त की व्यवस्था करना। अब दूसरा काम है बैंकिंग का संस्थागत विकास करना, वो उसको बढ़ावा देना, संस्थागत विकास करना वह उसको बढ़ावा देना, संस्थागत विकास करना वह उसको बढ़ावा देना। क्या होता है संस्थागत विकास करना, यह भी समझने की जरूरत है, बड़ा क्वेश्चन PSC जो है ना ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछता है जिसका कोई उत्तर बड़ा होता नहीं है, अब तक वो बड़ा करना होता है। संस्थागत क्या होता है आपको पता होगा, संस्थागत अभी कुछ दिन पहले ही थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, योगेश जी आप बताएंगे संस्थान के माध्यम से विकास शाब्दिक अर्थ बताने की कोशिश की आपने, है ना। सर संस्था ही खुलता है, मतलब बैंक खोलेगा वहाँ पर, मतलब पूरी सुविधाएं देगा। देखो बात सिर्फ उतने शब्द के आसपास ही मत रखो, मैंने अक्सर देखा है आप लोगों को, आप वहीं पे सीमित उतने बिंदु पे आप सोचना शुरू कर देते हैं, उसके आसपास जाते ही नहीं। देखो बैंकिंग जो है ग्रामीण क्षेत्र में ऋणों की व्यवस्था के लिए दो स्रोत हैं, अब देखो कैसे उत्तर मिलेगा, संस्थागत और
गैर संस्थागत। संस्थागत में क्या आएगा? पूरे बैंक। और गैर संस्थागत में क्या आएगा? साहूकार। अब चौधरी, मुकद्दम, ये लोग रिश्तेदार है ना, ये लोग ऋण देते हैं। अब ये लोग ऋण देते हैं तो इनका कोई बही खाता, ये वो कोई विधिवत होता है क्या? कोई नियम होता है? कोई रेगुलेट करने वाली संस्था होती है क्या? नहीं होती। यदि किसान का उत्पादन न हो तो ऋण माफी योजना इनके ऊपर लागू होती क्या? नहीं। अब आए सब गैर संस्थागत क्या है भाई? इन सारी जो प्रोसेस जो इसके समानांतर चल रही थी उन सबको खत्म करना और ऋणों की कैसी व्यवस्था करना? संस्थागत, कि जो भी ऋण ले वो बाहर से ना ले, इस दायरे में आए और यहाँ से ऋणों की व्यवस्था करे, ताकि कहीं अनहोनी हो जाए तो उसकी भरपाई तो की जा सके, इनके सामने कोई धोखाधड़ी ना हो। तो नाबार्ड का यही काम है कि भाई जो भी ऋण चाहिए आप इन तरीकों से, विधिवत तरीके से। वो जो दूसरे संस्थान है जिनका कोई अता पता नहीं है तो उनसे ऋण ना, क्लियर हो गई ना? संस्थागत मतलब साख का संस्थागत या बैंकिंग का संस्थागत विकास करना, वो उसको बढ़ावा दे। क्लियर था? आगे देखेंगे। क्लाइंट बैंकों का या सदस्य बैंकों का, क्लाइंट बैंकों का मूल्यांकन, मूल्यांकन, निगरानी व निरीक्षण करना। क्लाइंट बैंकों का मूल्यांकन, निगरानी व निरीक्षण करना। क्लाइंट बैंक मतलब ये जो हमने पढ़ा ना, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां कितने स्तर की होती है? तीन स्तर की होती है, हैं? ये तो पता होगा आपको, बताओ। राज्य स्तर, जिला और ग्रामीण। उल्टा बोल दिया, ग्रामीण, राज्य, जिला। ग्रामीण सहकारी साख समिति, जिला सहकारी साख समिति और तीसरा राज्य सहकारी साख समिति। राज्य से बड़ा नहीं होता इसमें, अपेक्ष है, इससे ऊपर नहीं होता। तो ये त्रिस्तरीय सहकारी समितियां है, तीन स्तर। तो ये जो ऋणों की व्यवस्था करती है तो फिर इसकी जांच भी करना, निगरानी करना, मार्गदर्शन देना, ये सारे काम जैसे बीमा वगैरह मिलता है। भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक ये पढ़ लिया ना आपने, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। भूमि विकास बैंक क्या होता है? भूमि विकास बैंक, इसे भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता था, भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता था। कैसे ऋणों की व्यवस्था करता है ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। भूमि विकास बैंक हमेशा कैसा? दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। क्यों? क्योंकि भूमि की गारंटी पर चल देता है, तो 10 साल, 20 साल, 15 साल, जैसे ट्रैक्टर खरीदना है तो 10 साल की किस्त बनाती है। फिर ट्रैक्टर के लिए ऋण किसको मिलेगा? जिसके पास जमीन है, जमीन उसको मिलेगा, है? तो ऐसे ऋणों की व्यवस्था, ट्यूबवेल करना है खेत में, स्थाई सुधार करना है तो भाई जिसमें सुधार करना है वो तो हो आपके पास में, नहीं तो नहीं मिलेगा। भूमि विकास बैंक, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, ये इनके क्लाइंट बैंक है RRB। तो इनको, इनकी निगरानी भी करता है, मूल्यांकन भी करता है, निरीक्षण भी करता है, मार्गदर्शन भी देता है। आगे लिखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को, विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत निवेश और उत्पादक ऋण उपलब्ध कराते हैं, उत्पादक ऋण उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कोई मछली पालन केंद्र खोलना चाहता है या मधुमक्खी पालन केंद्र खोलना चाह रहा है या इस तरीके का कुक्कुट पालन केंद्र खोलना चाहता है, कुक्कुट याने तो पता होगा कविता में, कुक्कुट, बिल्कुल सही बोला, क्या बोला इन्होंने? मुर्गी पालन है ना, तो एग्रीकल्चर का नॉलेज है आपको, ठीक। तो इनके लिए ऋणों की व्यवस्था करना भी, किसान जो है वो सिर्फ कृषि के ऊपर ही डिपेंड ना रहे, उससे संबंधित व्यवसाय भी वो करता
रहे ताकि उसको स्थायी आय प्राप्त हो सके। तो इसके लिए अन्य उत्पादक ऋण भी प्रदान कर सकता है। उत्पादक ऋण क्या होता है? उत्पादक ऋण, देखो ग्रामीण क्षेत्र में किसान को ऋण चाहिए है ना, तो वो बोलता है कि मुझे ट्यूबवेल करना है, कुआं खोदना है, ऋण ले लेता है और बच्चे की शादी कर देता है, श्राद्ध कर देता है किसी का है ना, दीपावली का त्योहार मना लेता है खूब पैसे ऋण लेके। जैसे ही वो ऋण स्वीकृत हुआ और अनाप शनाप खर्च करना शुरू कर, ये उत्पादक ऋण है क्या? नहीं। लेकिन ऐसे काम में जिससे उसको आय प्राप्त होना शुरू हो जाती है, ऐसे ऋणों को क्या कहते हैं? उत्पादक ऋण। जैसे हमें लाडली बहना योजना या ऐसे इसके लिए यदि किसी को सरकार दे रही है पैसा, तो ये उत्पादक व्यय नहीं, ये उत्पादक व्यय नहीं। उत्पादक व्यय वो है जो सरकार दे और बाद में हमसे इससे ज्यादा उसको मिलता है, या लोगों को जो मिल रहा है उसको कोई रोजगार ये वो प्राप्त हो जाए, वो और अधिक सक्षम हो जाए, तो ऐसे ऋणों को क्या कहते हैं? उत्पादक व्यय या उत्पादक ऋण। अगला देखेंगे ग्रामीण वित्तीय पोषण की, ग्रामीण वित्तीय पोषण की, वित्तीय पोषण की शीर्ष एजेंसी के रूप में कार्य करना, शीर्ष एजेंसी के रूप में कार्य करना। माइक्रो फाइनेंस, लास्ट माइक्रो फाइनेंस की, माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ी संस्था माइक्रो फाइनेंस। इसको भी समझना, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है इसमें। माइक्रो फाइनेंस मोबाइल भी मिल रहा है ना अभी आपको, काहे में किस्तों में, गांव में वो एक मोटरसाइकिल पे दोनों इधर वो बर्तन लटका के ले आता है, कुकर ये वो भी बोलते हैं कि हर सप्ताह के 50 रुपए देना, ये माइक्रो फाइनेंस है। छोटे छोटे कम बजट की वस्तुओं को फाइनेंस करके देना, जरूरी नहीं है फाइनेंस हम ट्रैक्टर ही करें, मकान ही करें, फोर व्हीलर ही करें, ऐसे नहीं, छोटी छोटी चीज़ें भी खरीदना है, माइक्रो फाइनेंस कहलाता है, ठीक है। और ऐसे छोटी छोटी बचतों को स्वीकार करने वाले और छोटी छोटी वस्तुओं को खरीदने के लिए या ऋण देने वाली संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत आती है, और ये उसके अपेक्ष संस्था है, उसके नियंत्रक है। अगला पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय आवास बैंक, तीसरे नंबर राष्ट्रीय आवास बैंक। पहले नंबर पे क्या पढ़ा हमने? भारतीय आयात निर्यात बैंक 1982, नाबार्ड ये भी 1982, 12 जुलाई 1982 और राष्ट्रीय आवास बैंक। कंपनी अधिनियम 1987 के अंतर्गत, 1987 के अंतर्गत 9 जुलाई 1988 को स्थापना हुई, 9 जुलाई 1988 को स्थापना हुई। मुख्यालय कहां पर है इसका? भी मुंबई नहीं है, मुंबई नहीं है, मुंबई नहीं है, कहां है हमारे? नई दिल्ली, नई दिल्ली। मैंने भी बोल के आपको कंफ्यूज कर दिया है ना, मैं देख ही रहा था कि कौन सबसे पहले गलत डिसीजन लेता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? आवास ऋणों को,
आवास ऋणों को अधिक किफायती बनाना, आवास ऋणों को अधिक किफायती बनाना। आवास ऋणों को अधिक किफायती बनाना। दूसरा, जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए सुदृढ़ स्वस्थ व्यापारिक तथा लागत प्रभावी वित्त प्रणाली का संवर्धन करना। देखो, थोड़ा सा कठिन पॉइंट है ये, इसको समझने की जरूरत है। जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए ऋण लेना, अब हम ये नहीं बोल सकते कि जो गरीब लोग हैं उसी को जरूरत है, अमीर लोगों को ऋणों की जरूरत नहीं। भाई, हर आदमी अपनी हैसियत के अनुसार ऋण लेता है, अपनी हैसियत के अनुसार। कैसे, क्या बोला मैंने, हैसियत के अनुसार कैसे ऋण लेता है? जितना कि हम दे सके। बहुत सही बोला, मतलब छोटा आदमी छोटा ऋण, बड़ा आदमी बड़ा ऋण, है ना। विजय माल्या जी अरबों रुपए, ठीक, हम जैसे लोग लाखों रुपए, हमसे छोटे लोग लेते ही नहीं। तो ये दिक्कत हो रही थी पहले कि जिसको वास्तव में ऋणों की जरूरत थी उसको ऋण नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो बेघर रह रहा था। तो इसके माध्यम से ऐसी व्यवस्था करना है कि सभी वर्गों के लिए, कोई जाति धर्म वाली बात नहीं कर रहा, वर्ग का आधार जाति या धर्म नहीं होता। वर्ग का आधार होता है कार्यप्रणाली और धन, मजदूर मालिक वर्ग, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, ये वर्गों को, सभी वर्गों को सुदृढ़, मतलब जैसा चाहिए वैसा, कोई नियम कानून के तहत, ऐसा नहीं कोई कृपा कर दे, कोई देना हो तो दे, नहीं तो मध्य हमारी मर्जी, वो नहीं। ऐसा नियम बना देना कि भाई आप उस नियम के अंतर्गत आ रहे, इसलिए आपको ऋण मिल रहा है, ऐसी व्यवस्था कर देना। ठीक, क्लियर हो गया एकदम, सभी वर्गों के लिए होना चाहिए ये बात। अगला, यह नियामक संस्था अधिनियम से प्राप्त शक्तियों के आधार पर प्रादेशिक पर्यवेक्षक के तौर पर वित्त कंपनियों के निरीक्षण का कार्य करती है। अब जैसे ग्रह फाइनेंस एक कंपनी है, अब बंधन बैंक में मर्ज होगी, बंधन बैंक है, ICICI या HDFC, ये कुछ ऐसे संस्थान हैं जो काय के लिए बने हैं, सिर्फ होम लोन के लिए बने हैं। तो ऐसी संस्थाओं का ही निरीक्षण करते रहते हैं कि आसान शर्तों पर दे रहे या नहीं। जैसे अभी हम ऋणों की बात करते हैं, तो जैसे दो तरीके का ऋण हम लेते हैं, एक ग्रह फाइनेंस या होम लोन, और दूसरा होता है पर्सनल लोन। एक होता है व्हीकल लोन। तो व्हीकल लोन पर्सनल लोन ही हो गया, तो इनकी ब्याज दर कम रखी गई है,
होम लोन की ब्याज दर कम है, 7%, 8%, 6% से शुरू हो जाता है। और वही हम पर्सनल लोन लेते हैं टीवी, फ्रिज, कूलर खरीदने के लिए, शादी करने के लिए या अन्य किसी काम के लिए ऋण लेते हैं, तो उसकी ब्याज दर 13%, 14% ऐसी होती है। तो ये आवास बैंक का काम यही है, सभी वर्गों को स्वस्थ मतलब कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। अब लिखेंगे हम चौथी संस्थान के रूप में सिडबी। सिडबी इसका मुख्यालय भी वही है, कहाँ पर है दिनेश? हाँ जी, लखनऊ। ताली बजाए। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। एक शब्द है इसमें MSME, बहुत ही बड़ा शब्द है वर्तमान में। नाम तो MSME है, ये बहुत ही बड़ा शब्द है, आपको तो पता है प्रिय। MSME क्या? MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम, नहीं मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु मध्यम इकाइयां, MSME मतलब ये बड़े उद्योगों की बात नहीं कर रहे हैं हम, जिनका अरबों खरबों का टर्नओवर है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, इंडियन रेलवे की बात नहीं कर रहे हैं, BSNL की बात नहीं कर रहे हैं, या ऐसी बड़ी कंपनियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन छोटी छोटी कंपनियों की बात कर रहे हैं जो बहुत कम खर्चों पर काम कर रही होती है, शुरू करने के लिए कम पैसों की जरूरत होती है। अब ऐसे अब ये जो दूसरे बैंक होते हैं ना, उनको बोलो कि हमें एक इकाई लगाना है, उसके लिए 25,000 का ऋण चाहिए, तो 25,000 का ऋण इतना तो हमारे यहाँ प्यून का वेतन है, खाए के लिए हमारे यहाँ नौकरी कर लो ऋण लेने की बोला है, ये बोल सकता है, बड़े बैंक ये बोलते हैं। तो इनके लिए ऐसे छोटी छोटी नियोक्ताओं के लिए या उद्योग जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ऋणों की व्यवस्था ये करते हैं। तो क्या नाम बताया मैंने? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में MSME का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। MSME के लिए ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापना 2 अप्रैल 1990, स्थापना 2 अप्रैल 1990, मुख्यालय है इसका लखनऊ, मुख्यालय लखनऊ। उद्देश्य लिखेंगे, ये केवल उन्हीं इकाइयों को, ये केवल उन्हीं इकाइयों को ऋण प्रदान करता है जिनका वार्षिक टर्नओवर, लिखना वार्षिक टर्नओवर 10,000 करोड़ से कम है, भारत में लगभग 31 लाख सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग है
भारत में लगभग 31 लाख सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग है जिनमें 7.2 करोड़ लोग कार्यरत हैं, जिसका निर्यात में हिस्सा 36% व विनिर्माण में विनिर्माण में 40% है। ये महत्व हो गया एमएसएमई का। ये 100% मेंस का जो भी पेपर देगा उसको लिखना ही पड़ेगा, 100% गारंटी से। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे जिसमें हम ये तीन लाइन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये विनिर्माण क्या होता है नील, आप बताएं विनिर्माण क्या है? योगेश, विनिर्माण जो कार्य चल रहा है, निर्माण हो रहा है अभी, अभी भी हो रहा है, जैसे कहीं पुल बन रहा है, एक महीने पहले शुरू हुआ था और अभी भी काम हो रहा है, तो वो भी निर्माण है। कच्चे माल फिर से बोलो। अच्छा बोल रहे थे आप, यहाँ तक खुशबू आ रही है, बोलो। बोलने की खुशबू आना चाहिए कहीं पर, बोल नहीं डिस्टर्ब कर दिया क्या मैंने सर? जैसे कि वो धागा से अपने कपड़ा बनाए, हाँ, ये साइज पे कपड़ा, मतलब क्या कपास से धागा, धागे से कपड़ा, तो ये जो कपड़ा है ये वाली प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस आप नहीं देखो, बस कुछ बनना वो नहीं वो। अब कुछ चीजें निर्माण के अंतर्गत आते हैं, निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, निर्माण। एक बार वो चीज बन गई, अब 150 साल के लिए वो फिक्स हो गई, परमानेंट हो गई। तो ऐसी चीजें काय के अंतर्गत आते हैं? निर्माण के अंतर्गत। जैसे किसी कारखाने का निर्माण हो गया, मशीनें बन गई बड़ी बड़ी। अब विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग। ये इसीलिए तो बताता हूं कि ये इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। अब मैन्युफैक्चरिंग में समझ में आ गया अपने को, भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जो बनते रहती है, खत्म होते रहती है, बनते रहती है, खत्म होते रहती है, तो वो विनिर्माण। ये जो छोटी कंपनियां जो होती है वो विनिर्माण का कार्य करती है। जैसे बिस्किट, इसका निर्माण नहीं होता, निर्माण होता तो फिर क्या बिस्किट बनता, उसको चाटते और रख देते, बिस्किट कभी खत्म नहीं होता। पिछले साल भी यही होता था, खूब हंसे थे आप, इस बार कम हंसे, क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता था। तो वो निर्माण, वो विनिर्माण है। जैसे ब्रेड वगैरह बन रही है, कपड़ा बन रहा है, ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसमें ये एमएसएमई उद्योग का सबसे ज्यादा योगदान होता है, ये यही काम करते रहते हैं। और जो बड़ी कंपनी है जैसे बिल्डिकॉन कंपनी, वो रोड का ठेका ले रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो क्या है? कंस्ट्रक्शन है, निर्माण के अंतर्गत आएगा। एक बार बन गया मतलब वो रिपेयरिंग होते रहेगी और 100 साल तक वो चलता रहेगा। क्लियर हो गया? तो इसका जो एमएसएमई का योगदान होता है, विकल्प में बन लिया है, निर्माण विनिर्माण, तो उसमें क्या आएगा? विकल्प में विनिर्माण। ठीक, अब हम लिखे, हाँ, सिडबी मुख्यालय कहाँ पर? लखनऊ में। स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990। क्या काम है इसका? एमएसएमई के लिए ऋणों की व्यवस्था करना, छोटे उद्योगों के लिए ऋणों की व्यवस्था करना। अब हम लिखेंगे आईडीबीआई, लास्ट संस्थान जो आज हम पढ़ेंगे, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। स्थापना 1 जुलाई 1964। स्थापना 1 जुलाई 1964
मुख्यालय कहां पर इसका? वही कहां पर? वही। अब हेमलता बताएगी। एक वही में नई दिल्ली आया, दूसरे वही में लखनऊ आया, लखनऊ आया, अब तीसरे में क्या आएगा? मुंबई। कहां पर? मुंबई। मुख्यालय मुंबई। ये सिडबी का उल्टा काम है इसका, है सिडबी लघु उद्योगों के लिए और ये उद्योगों के लिए, बड़े उद्योगों के लिए शुरुआत से है। तो उद्योगों को ऋण देने वाला महत्वपूर्ण संस्था है। भारत सरकार की प्रमुख सरकारी बैंकों में से एक, स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, सरकारी बैंक बताया ना मैंने, भारत सरकार का प्रमुख सरकारी बैंक, मतलब ये सरकार ने इसकी स्थापना की थी, 100% हिस्सेदारी किसकी? सरकार के। 1995 में सरकारी हिस्सेदारी 100% से घटाकर 75% कर दिया, 75% कर दिया, मतलब 25% हिस्सेदारी इसकी बेच दी सरकार ने, शेयर बेच दिया। इसे क्या बोलेंगे? निजीकरण। क्या बोलेंगे इसका? निजीकरण या विनिवेश। क्या बोलेंगे? विनिवेश। 25% सरकार ने विनिवेश कर दिया। सितंबर 2004 में IDBI को अनुसूचित बैंक के तौर पर शामिल किया, वह इसका नाम क्या कर दिया? IDBI लिमिटेड रखा गया। सही जोड़ी में क्वेश्चन बन सकता है, IDBI लिमिटेड कर दिया गया। एक और परिवर्तन, 21 जनवरी 2019 को 21 जनवरी 2019 को LIC द्वारा LIC द्वारा 50% हिस्सेदारी अधिग्रहण कर लिया, अतः इसी निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में दर्जा दिया गया। अब सरकार की हिस्सेदारी क्या हो गई? धीरे 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 इसमें कम होती चली गई। पहले 25% किसी अन्य को बेच दी, फिर 50% LIC को दे दी, अब सरकार की हिस्सेदारी धीरे धीरे क्या हो गई? इसमें कम होती चली गई। तो IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सरकारी बैंक के रूप में, 1964 में, 1 जुलाई 1964 में। मुख्यालय कहाँ पर इसका? मुंबई में। फिर धीरे धीरे देखा कि इसमें परिवर्तन होते चले गए। अभी इसकी 50% हिस्सेदारी किसके पास में?
LIC के पास में है। तो चलो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, बाकी जो है प्राथमिक डीलर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां में ढेर सारी, जैसे चिटफंड कंपनियां है, मर्चेंट बैंक है, बीमा कंपनियां है, या विभिन्न प्रकार के अभी पेमेंट बैंक आ रहे हैं, पेमेंट बैंक या भुगतान बैंक, जैसे अलग अलग बैंक का हो सकता है, जैसे भीम ऐप वगैरह हो गया, फोन पे वगैरह हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे। तो कल महत्वपूर्ण बैंकिंग शब्दावली हम पढ़ने वाले हैं, तो कल की क्लास में महत्वपूर्ण रहेगी। आज के लिए धन्यवाद।